नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय किसान यूनियन लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है। यूनियन के नेता राकेश शिकैत बुधवार को रायपुर पहुंचे और यहां प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की पक्की गारंटी के बिना किसान आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला। टिकैत ने कहा, 2012 में कांग्रेस इस कानून को लेकर आई थी, तब भाजपा ने इसे काला कानून बताया था। वही कानून 2020 में भाजपा सरकार में सफेद कैसे हो गया। टिकैत ने कहा, किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। जब तक MSP की पक्की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक किसान डटे रहेंगे। किसान पिछले 10 महीने से वहां पर बैठा हुआ है, उसने सर्दी गर्मी बरसात झेल ली है, आज वो पूर्ण रूप से पक चुका है। सरकारों के गलत एलिगेशन से उसको तरह तरह के नाम से पुकारा गया, उसको वहां पे इंसल्ट करी गई। ये किसान जब तक तीन काले कानून वापसी नहीं होंगे, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल जो हाउस में आने वाला है, फाइल रखी हुई है, पोल्यूशन और भी बहुत से कानून ये लेकर आना चाहती है,